हेलो दोस्तों, दिस इज बात लोकी इंडिया वाले और आज का हमारा टॉपिक है सब स्ट्रिंग फंक्शन, कि सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सब स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखने वाले हैं कि कैसे सब स्ट्रिंग फंक्शन का हम यूज करके जो स्ट्रिंग होता है उसमें से किसी पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उसके कुछ पार्ट को हम बाहर निकालते हैं। तो देखो, सब स्ट्रिंग फंक्शन यू टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। कुछ स्ट्रिंग हमारे पास दिया गया है, उसमें से किसी पार्ट को या फिर किसी सीक्वेंस को हमें बाहर निकालना होता है या फिर एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं। इट हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स क्या होता है? SUBSTR मीन्स सब स्ट्रिंग। SUBSTR इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग, उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर वैल्यू। जिस स्ट्रिंग का हमें कुछ पार्ट निकालना होता है वो स्ट्रिंग हम यहाँ देते हैं वैल्यू में, और फिर स्टार्ट पोजीशन और फिर लेंथ मींस कहाँ से हमें निकालना है उसका पार्ट। जो है कोई स्ट्रिंग अगर दिया गया है तो किस पार्ट से हमें वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है और कहाँ तक, उसका लेंथ कितना होगा, ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है इंडिया वाले, एक स्ट्रिंग क्या है इंडिया वाले, तो यहाँ मैं लिखा हूँ SUBSTR सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर अगर लिखा गया है INDIAWALE इंडिया वाले, ये हमारा क्या हो गया वैल्यू, सब स्ट्रिंग उसके बाद इसका सिंटेक्स में क्या है वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया वैल्यू, और ये हमारा क्या है स्टार्ट पोजिशन। स्टार्ट पोजिशन जैसे मैं मानता हूँ टू, इसके बाद कॉमा स्टार्ट पोजिशन टू, और फिर मैं एक देता हूँ लेंथ, लेंथ कितना तक चाहिए, मुझे चाहिए जैसे फाइव चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, तो हमारा वैल्यू है, और देखिएगा टू मीन्स टू से शुरू करना है, तो ये हमारा है वन टू मतलब एन, एन से कहाँ तक, फाइव तक, मीन्स एन से फाइव ज़्यादा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 यानी डब्ल्यू तक, तो आउटपुट क्या हो जाएगा NDIAW। इस पार्ट को हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये पार्ट हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा किसके हेल्प से, सब स्ट्रिंग के हेल्प से, इस वैल्यू में से। जैसे टू से फाइव तक, टू से मतलब फाइव कैरेक्टर, टू से फाइव कैरेक्टर हमें चाहिए, तो टू कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ इंडेक्स से शुरू होता है वन से, तो क्या हो जाएगा वन टू, टू एन से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 मीन्स डब्ल्यू तक। जैसे यहाँ सब स्ट्रिंग है और यहाँ इंडिया वाले है और फाइव, जैसे मानो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ मैंने जो स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों दे दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिर्फ स्टार्ट पोजीशन दे दिया है, स्टार्टिंग पोजीशन जैसे फाइव दे दिया है, तो इंडिया वाले में इस केस में क्या होगा, तो फाइव से शुरू करेगा और एंड पोजीशन या फिर लेंथ नहीं दिया है, तो लास्ट तक जाएगा जहाँ तक है। जैसे ये फाइव से शुरू हो रहा है, तो ये है 1 2 3 4 5 हमारा ए है, ए से शुरू होगा और कोई भी इसका लेंथ नहीं दिया है, तो सारा का सारा आ जाएगा AWALE, सारा क्या होगा हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही जैसे इंडिया वाले को और दिया है, ये भी हमारा सब स्ट्रिंग है, इंडिया वाला हमारा क्या है ये वैल्यू है वैल्यू, ये हमारा क्या है स्टार्टिंग पोजीशन, ये हमारा क्या है लेंथ, तो इंडिया वाला हमारा क्या है वैल्यू है, इसमें से बोल रहा है तीन से शुरू करो तुम, तीन से, तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीन से शुरू करना है, तो 1 2 3 यानी डी से शुरू करना है, डी से शुरू करो और कहाँ तक जाओ तीन लेंथ तक, तो डी 1 2 3 यानी ए तक, तो आउटपुट क्या होगा DIA, आउटपुट क्या होगा DIA। सब स्ट्रिंग फंक्शन का इतना ही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रिंग में से क्या करता है, किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। अगर आपको सच में समझ में आ गया स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो DBMS एकदम शुरू से और SQL एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं काफी एडवांस लेवल तक, उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी को डिस्प्ले करो, फर्स्ट फाइव कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसका फर्स्ट फाइव कैरेक्टर डिस्प्ले करो, और कैटेगरी ऑफ दोस प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का कैटेगरी डिस्प्ले करो। ठीक है, तो क्या लिखना है, सिलेक्ट
प्रोडक्ट आईडी का हमारा कॉलम क्या है, प्रोडक्ट आईडी कॉमा फर्स्ट फाइव कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसके लिए मेरे क्या लिखना पड़ेगा, सब सब स्ट्रिंग और पी डी एस सी इसका फर्स्ट फाइव कैरेक्टर मीन्स शुरू से फाइव तक, शुरू से फाइव तक, तो वन टू फाइव मैंने लिख दिया। एज अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो मैं इसका नाम दे दूंगा, इसका नाम कुछ दे दूंगा, जैसे इसका नाम दे दूंगा मैं, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ प्रोडक्ट, आप कुछ भी नेम दे सकते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। एज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मीन्स जो सबस्ट्रिंग इसका आएगा उसका मैं एक नाम दे दिया हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और फिर हमें क्या चाहिए, एंड कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड कॉमा कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी फ्रॉम कहाँ, किस टेबल से चाहिए, तो प्रोडक्ट टेबल से चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट टेबल यहाँ लिख दूंगा। और जैसे ही मैं इतना लिखूंगा तो क्या करेगा, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या करेगा, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं मान लेता हूँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे मान लेता हूँ दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, जैसे इसके डिस्क्रिप्शन में ए है, तो क्या करेगा, इस सारे को उठाएगा, इस सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को यहाँ लेके जाएगा यहाँ, और देखिएगा वन से लेके फाइव तक, तो वन क्या है इसका, टी है, एच है, आई है, एस है, और एक यहाँ स्पेस है, तो स्पेस यहाँ लिख देगा, मीन्स इसको दिस और एक स्पेस को यहाँ प्रिंट कर देगा एज अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। क्यों, क्योंकि यार यहाँ बोल रहा है कि फर्स्ट फाइव कैरेक्टर करना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत कैरेक्टर का हो सकता है, उसमें से सिर्फ फाइव कैरेक्टर को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे वीडियो सबस्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर, सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है और कैसे काम करता है और कैसे इसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा डिटेल आपको काफ़ी अच्छे से बताया है, अगर समझ में आया है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा यार डीबीएम का कोर्स शुरू से पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।